वैसे अगर माना जाए तो हम काफ़ी सारे बाइंडिंग डाटा मतलब कि देखते भी हैं और हम बाइंडिंग डाटा यूज भी करते हैं और ट्रांसफार्मर को बनाते भी हैं और ट्रांसफार्मर का रिजल्ट भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो दो ट्रांसफार्मर हैं ये बिल्कुल अलग हैं और इन्हीं दो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग डाटा की मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल सकती है, क्योंकि ये जो दो डाटा है ये जल्दी कोई शेयर भी नहीं करता है। लेकिन इस डाटा की हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं शेयर करते हैं और इसको अगर हम यूज करें तो कहाँ पर यूज करें और इसको कितना तक हम कहाँ पर कैसे करके यूज करना चाहिए। बिल्कुल डिटेल्स में एक एक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और बाइंडिंग डाटा को हम यूज जब करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा सारी चीज़ें जानेंगे। बस वीडियो को यहाँ पर ऐसे ही देखते रहना। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो फिर लेट्स गो। तो दोस्तों अगर मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूँ और वो रिक्वेस्ट आप हमेशा के लिए पूरी भी कर सकते हैं, दोस्तों मुझे वैसे तो भरोसा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और आप मेरे पर विश्वास बनाए रखें, मैं आपके ऊपर विश्वास बनाए रखूँ। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के इसी ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी दोस्तों, और साथ ही साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों ये बात यह है कि उस वीडियो के अंदर मेरी ही आवाज़ दी गई है, मतलब कि मैंने अपनी आवाज़ उसमें ड्यूनिट की है और वो वीडियो किसी और की है। तो हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं दोस्तों तो मदद करने में हमें अगर किसी का भला होता है, मतलब कि हमारे मदद करने से किसी का अगर भला हो रहा है तो दोस्तों हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद ये रहती है कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो किसी का भला हो जाएगा दोस्तों। तो आप हो सकता है कि आप कोशिश से कोशिश कर लेंगे। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, बस उस वीडियो को देख लेना जाके दोस्तों। इस वीडियो के देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। क्या आप इतना कर सकते हैं दोस्तों? मुझे बहुत भरोसा है दोस्तों, और आप लोग करेंगे भी ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमने एक ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेंज मेंशन कर दी है एंड दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि ये तीसरी वाली लूप 240 वोल्ट की थी, ये 290 वोल्ट की है और लास्ट वाली 418 वोल्ट की है। तो एक इसमें से हमारा 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का और एक है हमारा 90 से 440 वोल्ट का, मतलब ये दोनों ही हम क्लियर इसलिए कर रहे हैं कि दोनों ही आप बना सकें आसानी से। अब चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है अब हमको टर्न्स यहाँ पर कितना कितना देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम टर्न्स देंगे वो यहाँ पर हम देने वाले हैं पहली वाली लूप में 102 टर्न, एंड यहाँ पर जो हम दूसरी वाली जो लूप में देंगे वो हम यहाँ पर देने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देने वाले हैं 47 टन, एंड यहाँ पर जो हम तीसरी वाली जो लूप में टन देंगे वो हम यहाँ पर देंगे 30 टन, एंड यहाँ पर जो लास्ट वाली लूप में जो हम टन देने वाले हैं वो यहाँ पर हम देंगे 38 टन, या फिर हम 37 टन भी डाल सकते हैं। और जो कि यहाँ पर जो हम 24 वोल्ट के लिए जो टन से देंगे वो यहाँ पर देने वाले हैं 18 टन। अब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर एक तो कम्प्लीट हो गया, अब इसके भी टन को हम जान लेते हैं। तो हम पहली वाली लूप में क्या करेंगे 102 टन देंगे, दूसरी वाली लूप में हम क्या करेंगे 47 टन देंगे, तीसरी वाली लूप में हम देंगे 30 टन, एंड जो चौथी वाली लूप में जो हम टन देंगे वो हम देंगे 38 टन, एंड जो कि लास्ट वाली लूप में जो हम टन से देने वाले हैं वो हम देंगे 96 टन, मतलब कि 96 टन। और यहाँ पर जो 24 वोल्ट के लिए जो हम टन से देंगे वो यहाँ पर हम देने वाले हैं 18 टन। तो यहाँ पर ये टन वोल्टेज क्लियर हो गए। चलिए अब हम कोर के बारे में जानते हैं, फिर आगे और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर ये यूज होगा और कितने किलोवाट का है, कैसे करके क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक मतलब कि जीरो से लगाकर एंड पहले वाली लूप तक जो है यहाँ पर हम जो वायर गेज जो चलाएंगे वो हम चलाएंगे यहाँ तक 15 नंबर का, मतलब कि 15 नंबर से वाइंडिंग करेंगे जीरो से 137 वोल्ट तक, और 137 वोल्ट से लेकर के एंड हम जो लास्ट तक जो करेंगे वाइंडिंग 290 तक वो हम चलाएंगे 14 नंबर का वायर गेज। तो यहाँ पर जो है ये डबल वायर गेज चलेगा और यहाँ पर जो है आपको सेकेंडरी में जो यूज करना है वो यूज करना है 24 नंबर का। तो यहाँ पर ये इसका वायर गेज क्लियर हो गया, एंड यहाँ पर जो इसका जो हम यूज करेंगे तो हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर 15 नंबर, मतलब टोटल 15 नंबर से पूरा ही बाइंडिंग हमको करना है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी में जो हम बाइंडिंग करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर 24 नंबर से। तो यहाँ पर वायर गेज भी हमारा क्लियर हो गया है।
चलिए अब हम जानते ये हैं कि इसमें कोर एंड बॉबिन अब कौन सा यूज होने वाला है, इन दोनों ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज होगा, कौन सा इसमें बॉबिन साइज यूज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम कोर यूज करेंगे जो दोनों ट्रांसफार्मर में और जो बॉबिन साइज जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 7 नंबर की कोर एंड जो बॉबिन साइज जो रहेगा वो रहेगा हमारा 5 इंच का, मतलब कि सिंगल फेस में भी हमारा 7 नंबर का कोर रहेगा एंड डबल फेस में भी 7 नंबर का कोर रहेगा। बॉबिन साइज हमारा सिंगल फेस में भी 5 इंच का रहेगा एंड हमारा डबल फेस में भी 5 इंच का रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम जानते ये हैं कि ये अब कहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा डाटा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये आ रही है कि ये जो डाटा है ये है हमारा 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट एंड एक जो दूसरा है वो है 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट, मतलब कि सिंगल एंड डबल फेस का दोनों का ही है। अब यहाँ पर इसको आप चाहे कॉपर में बनाएं चाहे इसको आप बनाएं एल्यूमिनियम में। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये कितने केवीए के लिए है डाटा। तो दोस्तों यह है हमारा 3.5 KVA से एंड 4 KVA के बीच में डाटा, मतलब कि जो डबल फेस का है वो भी 3.5 से 4 KVA के बीच में है एंड जो हमारा सिंगल फेस में है वो भी हमारा 3.5 से 4 KVA के बीच में डाटा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये डाटा जो है आप चाहे तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो इसका लोड है वो लोड मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर से चेक कर लेना और साथ ही साथ में उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे? दोस्तों मुझे भरोसा है कि आप जरूर से उसको पूरा भी कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर ऐसे ही सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें।